फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलदीप सनैया, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कराना भूल गए थे, या फिर जिनने अपग्रेड कराया था पर लेकिन सेकंड राउंड में अपग्रेड वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डीएमई के द्वारा फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कराने के लिए द्वारा लिंक खोल दी गई है। ये इसका नोटिस है जो आज ही 24 तारीख को आया है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त नीट यूजी काउंसलिंग 2022-23 के प्रथम चरण से प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का विकल्प नहीं चुना गया, उन अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 25/11/2022 सुबह 11 बजे से रात को 12 बजे तक पुनः अपग्रेड लिंक खोला जा रहा है। तो अब जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कराना भूल गए थे, तो वो भी अब अपग्रेड करा सकते हैं और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।